सॉरी लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और रेशियो ऑफ शेयर्स डिस्कस कर लिया था। आज अपने को क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 हैज टू बी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, एंड देन वील प्रोसीड विद अदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको क्या कहता है। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इच एट पार पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकेंड कॉल पर 3। तो 3 + 2 = 5 + 2 = 7 + 3 = 10। All the shares were fully subscribed and allotment made. All the money was duly received except one shareholder holding 500 shares who did not pay any money after application. His shares were forfeited after first call and received after second call at rupees case 1 9 per share, case 2 rupees 10 per share or case 3 rupees 11 per share. तो करना स्टार्ट करें क्या, तो ध्यान से देखते हुए करते हैं। ये फॉरफीचर का केस है। मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग केसेस बना दिए, जब एक केस में रिसू हो रहा है ₹9 पर शेयर पर, एक केस में रिसू हो रहा है ₹10 पर शेयर पर और एक केस में रिसू हो रहा है ₹11 पर शेयर। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा। पहली एंट्री हमारी होती है क्या, देखिए एंट्रीज मैंने इसलिए करके रखा है, आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं साथ साथ में चाहें तो, फिर या बाद में मैं आप लोग को मौका दे दूंगा उसको कॉपी करने का इकट्ठे में एक बार, तो आप लोग चाहेंगे तो फिर इसको पॉज कर करके भी बाद में उसको कॉपी कर लीजिएगा, बट अभी सुनिए मेनली। तो पहला क्वेश्चन, पहला एंट्री क्या होगा, आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 10,000 × 3। फिर आप क्या करोगे, अब आप इस पैसे को अलॉटमेंट ट्रांसफर कर दोगे, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, ठीक है, 30,000 राइट। फिर अब आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कराओगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 × 2 = 20,000। फिर अब आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी पर हमारी एंट्री क्या होगी, रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,500 शेयर्स पर ही पैसा मिलेगा। पूछो क्यों, 500 शेयर्स ने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा, अच्छा इन फर्स्ट जो आपने सर एप्लीकेशन के बाद हमको कोई पैसा नहीं दिया है, तो बेसिकली जो ये 500 शेयर्स हैं, क्योंकि इनसे एप्लीकेशन के बाद अपने को कोई पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला और अपने को फिर फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं मिला। फिर आगे आते हैं ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू के अंदर में क्या एंट्री पास होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 × 2 = 20,000। अच्छा, जो पैसा नहीं मिला, इनफैक्ट एक थोड़ा सा रुक जाइए, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट पर देखिए जो पैसा नहीं मिला, हल्का सा होल्ड कर लेते हैं, उसको हमने पहले कहाँ पर डाल दिया है, कॉल्स इन एरियर। तो फिर अब यहाँ पर हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,500 × 2, और जो पैसा नहीं मिला फिर वो आपका चला गया है कॉल्स इन, तो फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो गया। पहले डेबिट किया था आपने 20,000 रुपये से, फिर आपने क्रेडिट किया 19,000 रुपये से, और आपने फिर क्रेडिट किया 1,000 रुपये से। बस समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर अब फर्स्ट कॉल ड्यू कराए हम लोग, तो फर्स्ट कॉल ड्यू कराते समय हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000 × 2 = 20,000। फिर फर्स्ट कॉल रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, 9,500 × 2, और फिर जो 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, कॉल्स नेरर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 × 2। आई होप दिस इज क्लियर, देख लीजिए यहाँ तक क्लियर, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट कॉल रिसीव के बाद ही जस्ट हम लोगों ने शेयर्स को फोरफीट कर दिया है। तो जब आप शेयर्स को फोरफीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो फॉरफीचर के समय आप सबसे पहले ये प्रैक्टिस अपनी बना लीजिए। देखिए ये फर्स्ट कॉल रिसीव तक का तो एंट्री बड़ा सिंपल था, आप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पर ध्यान से समझिएगा कि जब भी अपने लोगों को फॉरफीट करना है शेयर्स को, सबसे पहले हम क्या बात नोटिस करेंगे, यस
आप सबसे पहले ये देखें कि शेयर्स ओरिजिनली कैसे इशू हुए हैं, क्या वो ओरिजिनली इशू पार पर हुए हैं या वो ओरिजिनली इशू प्रीमियम पर हुए हैं। अगर पार पर होंगे तो फिर एक ही केस, हम अगर प्रीमियम पर होंगे तो फिर आप देखना पड़ता है कि प्रीमियम रिसीव्ड या प्रीमियम तो पार पर है तो फिर आगे कोई केस बनता, तो फिर अब एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एंट्री देखिए, एंट्री क्लियर है तो फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, अब आपको कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है, 500। इन 500 शेयर्स पर आपने फर्स्ट कॉल तक का पैसा मंगवाया, फर्स्ट कॉल तक का पैसा आपका कितना था, 500 इंटू फर्स्ट कॉल तक का आपका पैसा था 7। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पांच सौ इंटू 7 3500 टू शेयर और फिर ठीक है। फिर अब आपको देखो पैसा कितना मिला, 500 इंटू 3 1500 और फिर कॉल सेंटर्स में कितना आएगा, 500 इंटू 4 2000। समझ में आ रहा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखिए यही एंट्री यहाँ पर आपके पास हुई है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के समय, क्या ये फर्स्ट कॉल के समय ही हो जा रहा था मगर मैंने इसको अलग से लिखा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन 500 इंटू 7 500 इंटू 3 500 इंटू 4। अच्छा, अब शेयर्स को मैंने अभी तुरंत रीइशू कर दिया या थोड़ी देर के बाद रीइशू किया है, मतलब सेकंड कॉल के बाद रीइशू किया है, सेकंड कॉल के बाद। तो अब पहले अब आप सेकंड कॉल को ड्यू करोगे तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, मगर स्टूडेंट्स यहां पर अमाउंट पर ध्यान देना पड़ेगा, अमाउंट कितना होगा, क्या अब हम पूरे 10,000 शेयर्स पर पैसा मंगा सकते हैं, क्यों 500 शेयर्स को फॉरफिट किए थे फर्स्ट कॉल के बाद में और उसको अभी तक रीइशू, तो फिर उस पर पैसा अभी तक नहीं मंगाएंगे। तो फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आप मंगाओगे 9500 इंटू 3, कितना मंगाओगे 9500 इंटू 3 28500। फिर सेकंड कॉल रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9500 इंटू 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, देख लीजिए एक बार, ठीक है तो फिर आगे आ जाए राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे अलग अलग केसेस हैं, केस वन केस टू केस थ्री। केस वन में क्या लिखा हुआ है, केस वन में आपको लिखा हुआ है कि शेयर्स आपने रीइशू कर दिया एट रुपीज 9 पर शेयर। केस टू में आपको लिखा हुआ है कि शेयर्स आपने रीइशू कर दिया एट रुपीज 10 और केस थ्री में आपने लिख दिया है आपने रीइशू कर दिया एट रुपीज 11 पर शेयर। तो अब देखिए यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमारी जो पेड अप वैल्यू है वो कितनी है, फिर ये तो इशू प्राइस हो गया हमारा, ठीक है। हमको क्या देखना है, पेड अप वैल्यू कितनी है, तो पेड अप वैल्यू अब हम देखेंगे यहां पर कितनी है हमारी। तो फिर पेड अप वैल्यू हमारी यहां पर जो बाकी शेयर्स की पेड अप वैल्यू होगी, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकेंड कॉल पर, मतलब टोटल कितनी है 10। तो पेड अप वैल्यू है हमारी और रीइशू आपने किया है केस वन 9 पर शेयर, मतलब डिस्काउंट राइट। तो फिर अब आपकी एंट्री आ जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर, अब क्योंकि डिस्काउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 9 500 इंटू 1 और 500 इंटू 10। आप लोग मेरे साथ साथ में एंट्रीज बना पा रहे हैं, तो रीइशू के समय हमारी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट 500 इंटू 9 500 इंटू 1 शेयर कैपिटल होगा 500 इंटू 10। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, जब आपकी पेड अप वैल्यू 10 है और इशू प्राइस 10 है तो फिर क्या होगा, एट पार बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना 500 इंटू 10।
और फिर दूसरा तीसरा केस है पेड अप वैल्यू 10 है और इश्यू प्राइस कितना है प्रीमियम, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो फिर बैंक अकाउंट में 500 इंटू 11, 500 इंटू 10 और 500 इंटू 1, 5500, 5000 और 500, राइट। फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी क्या, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल। अब देखो इसका ना, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सीयूटी के अंदर में भी आते हैं, एक एक नंबर के। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल सर, व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है क्या, आप देखो आपने कितना रुपया फॉरफिट किया था एक शेयर पर, आपने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा फॉरफिट किया था, एप्लीकेशन पर आपको मिला था 3, अगर कोई डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट को माइनस कर दो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। जैसे आपने 3 रुपये फॉरफिट किया था, डिस्काउंट पहले वाले केस में 1 रुपया, तो 3 माइनस 1 दो इंटू 500 1000। अब दूसरे वाले केस में आपने पार पर इशू कर दिया था तो फिर डिस्काउंट नहीं है, तो फिर 3 इंटू 500 1500। और तीसरे वाले केस में 3 इंटू 500 1500। तो तीनों केसेस में हमारी एंट्री है केस 1, केस 2, केस 3, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री तो सेम रहेगी मगर अमाउंट इसमें 1000 1000, इसमें 1500 1500 और इसमें भी 1500 1500। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये क्लियर है। एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप जब शेयर्स को रीइशू कर देंगे तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो लास्ट एंट्री हमारी होगी स्टूडेंट्स, वो लास्ट एंट्री हमारी कौन सी होगी। जैसे ना यहाँ पर लास्ट एंट्री का मतलब क्या है कि जैसे कई कई बार ऐसा भी होगा कि हम फर्स्ट कॉल के बाद में रीसू कर देंगे और बाद में सेकंड कॉल मंगवाएंगे, तो आप फर्स्ट कॉल के बाद जब रीसू करोगे तो फिर शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल नहीं करना, फिर उसको कब करना चाहिए, सेकंड कॉल के बाद। तो फिर आपकी एंट्री बनती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एंट्री तो यही बनती है। अब अमाउंट मिलनी हमसे पूछता है, तो मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स कि अमाउंट कैसे निकालोगे आप, तो फिर आप देखो कि आपने एक शेयर पीछे कितना फॉरफिट किया। पहले क्या देखिए, वन शेयर पीछे जितना फॉरफिट किया, जैसे वन शेयर पीछे आपने यहाँ पर एप्लीकेशन पर आया है 3 रुपये, सिर्फ एप्लीकेशन का ही 3 रुपये आया है। अब अगर डिस्काउंट पर रीसू की हो तो माइनस कर दो, अगर पार और प्रीमियम पर कुछ माइनस, तो फिर 3 इंटू 500 1500। अच्छा डिस्काउंट पर था मगर केस वन में डिस्काउंट पर था, पार और प्रीमियम वाले केस में तो देखो आपका शेयर फॉरफिट टू कैपिटल 1500 1500 पूरा आ गया, मगर केस वन में आपका डिस्काउंट था 1 रुपए का, तो फिर 500 इंटू 3 माइनस 1 2 1000। देखो ठीक है, तो फिर आगे आ जाए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। एग्जाम्पल नंबर 5, ABC लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज फॉलोस, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फिर बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फिर 3 प्लस 4 7, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस कितना है 5। ऑल दी शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स हु डिड नॉट पे एनी मनी आफ्टर एप्लीकेशन, ठीक है, जिन्होंने कोई भी पैसा एप्लीकेशन के बाद नहीं भेजा, एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट एंड रीसूड आफ्टर फर्स्ट कॉल एट ₹9 पर शेयर। तो अच्छा डिस्काउंट है कि क्या है वो तो बात की चीज़ है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो अब यहाँ पर 500 शेयर्स पर एप्लीकेशन के बाद से कोई पैसा नहीं मिला और आपने शेयर्स को अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही फोरफिट कर लिया और फर्स्ट कॉल के बाद में फिर रीसू कर दिया, यही केस है, सिंपल है, करना स्टार्ट करें, इस क्वेश्चन को भी समझना स्टार्ट करें।
तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर फाइव फाइव देखिए, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कैपिटल में डायरेक्टली नहीं जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू थ्री, आई होप दिस इज क्लियर। फिर अब आप इस एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू थ्री 30,000, राइट। फिर अब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट पर और भी पैसा ड्यू कराओगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू फोर 10,000 इंटू टू 10,000 इंटू टू, अब दिस इज क्लियर। फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी कितना होगा, आपको 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,500 इंटू फोर कितना 38,000, 9,500 इंटू 38,000, राइट। और जो पैसा नहीं मिला उसको फिर कहाँ पर ट्रांसफर कर दें, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,500 इंटू फोर, फिर कॉल सेंटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 इंटू फोर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। फिर बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो अब यहाँ पर एंट्री हमारे क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। नहीं अच्छा, अभी तुरंत ही रीइशू कर दिए थे, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर दिया था, सॉरी अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही फोरफीट कर दिया था, तो कॉल सेंटर्स में आपने पहले ट्रांसफर कर लिया, क्या एंट्री हुई कॉल सेंटर्स में ट्रांसफर करने के बाद की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,500 इंटू फोर, और जो एरियर है कॉल सेंटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना 500 इंटू फोर, आई होप दिस इज क्लियर, इतना सबको क्लियर है। अच्छा अब आगे सुनिएगा ध्यान से, यहां पर हमारे लिए अब यहीं पर फोरफिट करना है शेयर्स, मतलब अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही फोरफिट करना है, फोरफिट करने से पहले क्या एंट्री देखोगे आप, पार या प्रीमियम, कैसे इशू हुआ है। अब प्रीमियम में तो फिर एक चीज और देखना पड़ेगा, क्या प्रीमियम मनी रिसीव्ड है या प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड है, कैसे समझ में आ रहा है कि नॉट रिसीव्ड है स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट पर प्रीमियम और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो फिर प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड है, तो क्या मेरी एंट्री ये होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, राइट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 500 इंटू तीन इधर और चार है तो सात हो गया, मगर दो रुपये और चला गया तो फिर पांच, सिक्योरिटी प्रीमियम में 500 इंटू दो, शेयर फॉर फ्यूचर में 500 इंटू तीन, और कॉल सिनेरियर्स में कितना पैसा आएगा, 500 इंटू चार, आज समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फिर ये आ गया आपका 2,500, 1,000, 1,500, 2,000, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन, ये देख लीजिए ये वाली एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर ही पास करके रखा हुआ है, ऑन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, फिर आगे आते हैं यहां पर नेक्स्ट क्या है हमारा,
फर्स्ट कॉल ड्यू करें तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9500 इंटू 5, कितना आ जाएगा 9500 इंटू 5, 47,500। फिर पैसा रिसीव कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 47,500। ये देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट कॉल ड्यू और फर्स्ट कॉल रिसीव, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9500 इंटू 5 47,500। फिर फर्स्ट कॉल रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 47,500। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर अभी हम लोगों को जो पैसा, सॉरी अब तो पैसा सबका सब मिल गया, सब कुछ काम खत्म हो गया था, फिर शेयर्स को यहाँ पर रीसू करना है। रीसू कितने रुपए पर हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बताइए। रीसू कर रहे हैं 8 रुपीज़ 9 पर से। अच्छा आप बताओ कि इन शेयर्स की पेडअप वैल्यू कितनी हो गई है। देखिए 3 इधर था, 4 इधर था, सॉरी 3 और 2 इधर था और 5 इधर था, 10। मतलब आपने बाकी शेयर्स पर कितना रुपया अभी तक मंगवा लिया है, 10। तो इन शेयर की भी पेडअप वैल्यू कितनी हो जाएगी। और इशू प्राइस आपका कितना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पेडअप वैल्यू कितनी है, 10, और इशू प्राइस कितना है, 9। अब आप इसको जब रीसू करोगे तो फिर आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 9, 500 इंटू 1 और 500 इंटू 10। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए एक बार ठीक है तो पर आ जाते हैं, राइट। फिर अगली एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया आपने फोरफिट किया था, नहीं कितना रुपया एक शेयर पर। पहला एप्लीकेशन का केवल 3 और डिस्काउंट कितना दिया है, तो फिर 3 माइनस 1। अगर मान लो हम लोग 300 शेयर रीसू करेंगे तो फिर 3 रुपए फोरफिट किए थे, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 300 600 कैपिटल रिजर्व में आएगा। अच्छा आपसे एक सवाल इसमें ये भी पूछता है कभी कभी सीयूटी के एग्जाम्स में स्पेशली, व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या पूछता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो देखो अभी भी आपने 200 शेयर्स को फॉरफिट, 200 शेयर्स को फॉरफिट तो क्या था मगर रीसू नहीं किया था, तो 200 इंटू 3 600। देखो ठीक है दफरा क्या जाए, 200 इंटू, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट। अच्छा बिफोर कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, आई एम कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स ये मेरे नोट्स में थोड़ा सा करेक्शंस था, मैंने सो किया तो मैं एक बार उसको समझाऊंगा अभी सेक्स में, अभी एक बार आप लोग को जब मैं होमवर्क दूंगा ये मैं करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, एमबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्राइम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर पेबल अलॉन्ग विद अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 4 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 रुपीज 8 बीइंग कॉल्ड अप। तो 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम है 2 रुपए का, अलॉन्ग विद अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 4। अलॉटमेंट कितने रुपए का आपका, 4, जिसमें से 2 रुपए क्या चीज का है कैपिटल और 2 रुपए क्या चीज का है प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल कितने का है 2 रुपीज 8 बीइंग। यहां पर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग को पता है स्टूडेंट्स क्या निकालना है, आप लोग को ये निकालना है कि कितना रुपया आपको रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड। तो क्या आप लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे कि कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, बस यहीं तक की इंफॉर्मेशन आपके लिए देखिए रिलेवेंट है।
होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा और शायद ही किसी का आंसर सही आया होगा, तो प्लीज़ चेक करेक्ट आंसर कैसे करके आएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कॉल्ड अप इज एट, राइट, कॉल्ड अप इज एट। हमको यहाँ पर अलॉटमेंट पर 4 रुपए मिला हुआ नहीं है, मगर कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है सिर्फ और सिर्फ, तो हम अलॉटमेंट में भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कौन सा पैसा लेंगे, शेयर कैपिटल मतलब 2, और फर्स्ट कॉल में भी हम कौन सा पैसा माइनस करेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2। तो अब रिसीव्ड कितना है, 4। मैं समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, तो कॉल्ड अप है कितना शेयर कैपिटल का 8, जिसमें से अलॉटमेंट शेयर कैपिटल कितना है 2, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है 2, तो फिर आपको रिसीव कितना हुआ है 4। आई गेस ये क्लियर है, क्लियर है, तो फिर बोलिए फिर आगे आते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉल्ड अप आपने जो पैसा मंगाया कितना रुपया मंगवाया है 8, जब ये 8 रुपये की हम बात करें, जब हम कॉल्ड अप बोलते हैं तो फिर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट का टोटल 4 रुपया है, मगर उसमें से 2 रुपया शेयर कैपिटल, 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो जब इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल है तो फिर इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा हिस्सा हम लोग लेंगे, शेयर कैपिटल। तो फिर उसमें से 8 में से हम 4 नहीं माइनस कर सकते, वो गलत आंसर आएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे शेयर कैपिटल वाला हिस्सा, और 2 रुपये आप माइनस करोगे फर्स्ट कॉल वाला, तो फिर आपका रिसीव्ड अमाउंट आया, और रिसीव्ड अमाउंट कितना आया 4। आपको कितना पैसा रिसीव हुआ है, 4 रुपये आपको रिसीव हुआ है, राइट। अब अगर यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो फिर एंट्री बाकी की तो देखो बहुत ही सिंपल सी है। आपने शेयर्स को फॉरफिट किया था जो कि इशूड हुए थे सिक्योरिटी प्रीमियम पर, मतलब प्रीमियम पर इशू हुए थे, तो फिर यहाँ पर आपकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर टू ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा 500 × 8 4000, 500 × 2 1000, 500 × कितना और एरियर कितना है 500 × 6 3000, 6 रुपये एरियर है, कैसे एरियर 6 रुपीज है। अब अलॉटमेंट कितना लेंगे एरियर में 4, और फर्स्ट कॉल कितना लोगे 2, तो फिर 4 + 2 6, तो फिर ये आपका 500 × 6 3000। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीवन। फिर आप जब रीशू कर रहे हो तो फिर लिखा हुआ है दीस ईयर्स पर रीशू एट एज ₹8 पेड अप, मतलब पेड अप पहले कितनी है और रीशू आपने कैसे कर किया है, तो अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, प्रीमियम पर रीशू हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना 500 × 9 500 × 8 500 × 1 तो फिर 4500 4500। हम लोग रीशू के टाइम पर पेड अप वैल्यू लेते हैं या इशू प्राइस लेते हैं, इशू प्राइस नहीं कह रहे थे, फेस वैल्यू कह रहे हैं, फेस वैल्यू लेते हैं या पेड अप वैल्यू लेते हैं। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना 500 × 1 सॉरी कितना रुपया फोरफिट किया था अपने 500 × 4 कितना 2000, 2000। आई गेस ये क्लियर है, क्लियर है, तो फिर आगे की बात करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और है, ये क्वेश्चन हमें आप लोग को होमवर्क में देना है, बट इसको एक बार समझ लीजिएगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सिक्स, एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एट प्रीमियम रुपीज 2 पर शेयर विच इज पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पर 2 और फिर फाइनल कॉल पर बैलेंस। तो फिर 3 + 4 = 7 + 2 = 9 और फिर फर्स्ट कॉल पर कितना आ जाएगा 3। ऑल दी शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब एंड अमाउंट रिसीव्ड एक्स नंबर शेयरहोल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स हु डिड नॉट पे एनी मनी आफ्टर अलॉटमेंट। ये लाइन ना मैंने कटवा दिया था। His shares were forfeited after first call and immediately at rupees past necessary, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करिएगा, कोई भी डाउट होगी तो फिर मेरे से उसको डिस्कस कर लीजिएगा, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।